टाटा नेक्सॉन सीएनजी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। और अगर आप इस गाड़ी को सीएनजी के साथ परचेस करने के लिए इच्छुक हो तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी आपको जानना आवश्यक है ताकि आपके मन में कोई संदेह नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वो है इसका इंजन। नेक्सॉन में जो आपको इंजन मिलता है वो है 3 सिलेंडर इंजन, जो उतना ज़्यादा आपको स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं देती। 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से शोर शराबा काफ़ी सुनाई देती है और वो केबिन के अंदर आपको भरपूर मात्रा में सुनाई देती है। तो ये है टाटा नेक्सॉन सीएनजी की पहली नेगेटिव पॉइंट। आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है टाटा नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलती है। और टर्बो पेट्रोल इंजन की सबसे माइनस पॉइंट यही है, जब तक टर्बो के रेंज में इंजन नहीं आती है तब तक आपको अंडर पावर फील करवाती है। और वो अंडर पावर फील आपको इस मॉडल में भी देखने में मिलेगा, सीएनजी में भी देखने में मिलेगा। और सीएनजी में आपको वो अंडर पावर फील करवाएगी टाटा नेक्सॉन का ये इंजन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट माइनस पॉइंट की, तो वो है टाटा नेक्सॉन की आफ्टर सेल सर्विस। आपको आफ्टर सेल सर्विस उतनी अच्छी तरीके की मिलती नहीं है। वैसे ये सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंड करती है, लेकिन अधिकतर जगहों में आपको यही देखने में मिलता है सर्विस की क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है। और अगर आपकी गाड़ी में कोई समस्या आती है तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से सुलझा भी वो लोग नहीं पाते। तो ये एक और माइनस पॉइंट आपको टाटा नेक्सॉन सीएनजी के साथ देखने में मिलेगी। वैसे ये सिर्फ नेक्सॉन के साथ नहीं, टाटा के हर किसी गाड़ी में आपको ये समस्या देखने में मिलेगी। नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट है, टाटा नेक्सॉन सीएनजी आपको 8 वेरिएंटों में देखने में मिल जाती है, लेकिन जब टॉप मॉडल की बात करें तो वो बहुत अधिक मात्रा में ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। आपको यहाँ पर एक शोरूम प्राइस 14,60,000 रुपये की देखने में मिलती है। ऑन रोड ये गाड़ी आपको करीबन 16 लाख के आसपास मिलेगी, थोड़ा बहुत कम हो सकता है या फिर ऊपर हो सकता है। तो इसी रेंज में आपको टाटा नेक्सॉन की टॉप मॉडल मिला करेगी सीएनजी के साथ। और इतना पैसा खर्च करके 7.4 मीटर एसयूवी विद सीएनजी लेना जस्टिफाई नहीं करता नेक्सॉन के प्राइसेस को। तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट है। और ये है लास्ट नेगेटिव पॉइंट, और वो ये है टाटा नेक्सॉन के वेरिएंट्स को अगर आप देखोगे, टोटल 8 वेरिएंट में गाड़ी को लॉन्च करा गया है, लेकिन आपको क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस मॉडल में कोई भी सनरूफ का ऑप्शन देखने में नहीं मिलता। अगर आपको सनरूफ लेना है तो निचली वाली मॉडल स्मार्ट प्लस एस या फिर प्योर एस पर जाना पड़ेगा, या फिर बजट की कोई समस्या नहीं है तो आपको टॉप मॉडल लेना पड़ेगा, और वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में कोई भी सनरूफ का ऑप्शन टाटा नेक्सॉन सीएनजी में देखने में नहीं मिलता। तो यही कुछ 5 नेगेटिव पॉइंट्स है जो आपको टाटा नेक्सॉन सीएनजी में मिल जाता है। तो अगर आप खरीदने के इच्छुक हो तो ये नेगेटिव पॉइंट्स आप लोगों ने जान लिया है, आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो ये था वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।